My name is Shikha, and in this experiment, we are going to find out the thickness of thin objects like thin paper or a hair. Means, हमें क्या निकालना है? एक पेपर है, उसका साइज निकालना है या फिर हमारे हेयर की मोटाई यानी कि उसकी थिकनेस निकालनी है. तो इसके लिए हम एयर वेज का यूज करने वाले हैं. एयर वेज, और ये है हमारे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट जिसका हम एंगल वेरी कर सकते हैं यहाँ से. और ये हमारे पास आता है मेन कॉम्पोनेंट. इसमें हमने क्या किया है, दो ग्लास प्लेट्स को ज्वाइन किया है और इसके बीच में वो पेपर रखा है हमें जिसकी थिकनेस निकालनी है, और उसको टेप से अटैच कर दिया ताकि ये पेपर बार बार ना निकले. इस अरेंजमेंट को, यहाँ बीच में एयर गैप बना है, इसे बोला जाता है एयर वेज. और अब हमें पहले ये देखना है कि इसे एयर वेज ही क्यों बोला जाता है. तो ये हमारे पास वो ग्लास प्लेट है जिसके अंदर हमने यहाँ पे पेपर को इंसर्ट किया हुआ है दो ग्लास प्लेट्स के बीच में और टेप से अटैच कर दिया है. तो इस पेपर ने क्या किया है, फर्स्ट वाली ग्लास प्लेट और सेकेंड वाली ग्लास प्लेट के बीच में कुछ एयर का गैप क्रिएट किया है, और वो एयर का गैप जो है वो वेरिंग थिकनेस का है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है, बीच में एयर का गैप धीरे धीरे कम होता जाता है, और यहाँ पेपर है तो यहाँ एयर का गैप थोड़ा सा ज़्यादा है. इसी वेरिंग थिकनेस एयर के गैप को बोला जाता है एयर वेज. इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम जनरली बोला जाता है एयर वेज. तो यहाँ डायग्राम से समझने के लिए, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट ग्लास प्लेट और दिस इज़ द सेकेंड ग्लास प्लेट, और बीच में हमने ऐसे करके पेपर को इंसर्ट कर दिया. यहाँ हम पेपर को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए, और इसी थिकनेस को हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ एयर वेज. दिस इज़ द नंबर वन ग्लास प्लेट सपोज, एंड दिस इज़ द नंबर टू. तो जैसे ही सोडियम लाइट से येल्लो कलर की लाइट फॉल करती है ऑन द फर्स्ट ग्लास प्लेट, तो द रे इज रिफ्लेक्टेड, सपोज दिस इज आर वन, एंड एज वेल एज रिफ्रेक्टेड. और ये जो रिफ्रेक्टेड लाइट है ये सेकेंड ग्लास प्लेट पे पड़ती है. यहाँ फिर से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों ही होता है. जो रिफ्रेक्टेड वाली लाइट है वो मटेरियल से पास आउट कर जाती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अगेन नंबर वन वाली ग्लास प्लेट पे फॉल करती है, और यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन टेक प्लेस करता है, और रिफ्रेक्शन वाली लाइट जो है आर टू हमें मिल जाती है. यानी कि R1 और R2 जो कि एक रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है और एक रिफ्रेक्टेड वाली लाइट है, ये सेम रे से ही मिल रही है हमें विद द अरेंजमेंट ऑफ एयर वेज. लेकिन ये रे या तो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, या फिर डाइवर्जेंट होती हैं यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं. और इन दोनों को हमें इंटरफेयर कराना है, यानी कि इंटरफेरेंस कराना है, जो कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी. तो इनको इंटरफेयर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का. ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो पहले वाला लेंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, वही कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और रेस को कन्वर्ज कराता है, यानी कि वो इंटरफेयर करती हैं. अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती हैं तो ब्राइटनेस मिलती है हमें, यानी कि ब्राइट पैटर्न मिलता है. अगर वो डिस्ट्रक्टिव करती हैं तो हमें मिलता है डार्क पैटर्न, यानी कि इंटरफेरेंस के बाद हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है, कंसेक्यूटिव डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. इसे बोला जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न. और हमें इसी इंटरफेरेंस को स्टडी करके इस पेपर की थिकनेस को निकालना है. इंटरफेरेंस को प्रॉपरली सेट करने के लिए हमें जो अरेंजमेंट करनी है वो क्या है, कि यहां से हमारे पास जो सोडियम लैंप है वहां से येलो कलर की लाइट आ रही है, और हमें ये जो ग्लास प्लेट है जिसमें हमारे पास एयर वेज की फॉर्म हो रही थी यानी कि वेरिंग थिकनेस आ रहा था हमारे पास, इस वाले इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए हम इसे इस ग्लास प्लेट के नीचे रखने वाले हैं, और इस ग्लास प्लेट को हमें 45 डिग्री पर रखना है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और ये एग्जैक्टली वर्टिकल, इनके बीच में रखना है 45 डिग्री पे. ऐसा क्यों, ताकि लाइट आए और इससे टकरा के एग्जैक्टली यहाँ जिसे हम नीचे रखने वाले हैं इस ग्लास प्लेट को, यहाँ पे इजिली फॉल करें और इंटरफेरेंस पैटर्न बना दें. और उसके बाद हमें क्या करना है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न को ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करना है. इन पैटर्न्स को देखना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आती है ब्राइट और डार्क के बीच में. तो सबसे पहले ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को सेट करने के लिए यहाँ जो हमें प्लस वाला सिंबल दिख रहा है, ये वाला, इस पे हमें अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस करना है एग्जैक्टली इसके सामने रख के. जैसे ही हमारा जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो प्लस वाले सिंबल पे फोकस हो जाता है, उसके बाद हमें इस ग्लास प्लेट को यहाँ पे रखना है, इस वाले ग्लास प्लेट के नीचे यहाँ पे.
और फिर से हमें अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यहाँ पे रखना है। इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करते ही, ऊपर वाली ग्लास प्लेट की थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करते ही, यानी कि 45 पे आते ही हमें यहाँ से आईपीस में इंटरफेरेंस पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है। अब हम इस ग्लास प्लेट को, ये वाली ग्लास प्लेट, इसको हम 45 डिग्री पे लेके आएंगे और साथ साथ अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के आईपीस से ऑब्जर्व भी करते रहेंगे कि हमें पैटर्न मिल रहा है नहीं। हम जैसे 45 डिग्री पे लेके आते हैं अपनी ग्लास प्लेट को, हमें तुरंत यहाँ पे आईपीस में पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब सारी सेटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ आईपीस में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के, यहाँ हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन चुका है और वो इस टाइप का है। हमें ऐसी बहुत सारी पतली पतली लाइंस दिखेंगी। ये जो लाइंस होती हैं ये डार्क पैटर्न को दिखा रही हैं, यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था रेस के बीच में, और बीच में जो स्पेस है जहाँ पे मुझे लाइट दिखेगी येलो कलर की सोडियम लाइट की वजह से, वो दिखाएगा हमारे ब्राइट पैटर्न को। तो हमें ऐसे मिलने वाला है डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। हम किसी भी एक लाइन पे इस स्क्रू की हेल्प से, इस वाले स्क्रू की हेल्प से हम अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को लेफ्ट या राइट साइड में मूव करा सकते हैं। तो किसी भी एक लाइन पे फोकस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन पे अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की क्रॉस वायर को, जो कि ऐसे होती है, इस टाइप से मैंने उसको फोकस करा लिया और इस लाइन को मैंने बोल दिया एनेथ। हमें नहीं पता है कौन से वाली लाइन है, तो मैंने इस वाली लाइन को बोल दिया एनेथ लाइन। तो ये जो एनेथ वाली फ्रिंज पे हमने फोकस किया है, इसकी रीडिंग हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से पता लगेगी। और इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से रीडिंग कैसे लेनी है उसका वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पे डाला हुआ है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एनेथ वाली जो फ्रिंज आ रही है हमें उसकी रीडिंग लेनी है। उसकी रीडिंग को हम अपनी इस वाली टेबल में, ये वाली ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, यानी कि जो मेरे पास फ्रिंज आ रही है वो कौन सी है, एनेथ, हमें उसकी माइक्रोस्कोप रीडिंग को यहाँ नोट करना है। और फिर हमें क्या करना है, इस वाले स्क्रू की हेल्प से काउंट करते हुए, मतलब ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाली फ्रिंज जो है इस पे फिर से क्रॉस वायर सेट करना है और ये वाली फ्रिंज बनेगी N+5। और हमें फिर से इसकी रीडिंग को नोट करना है यहाँ N+5। सिमिलरली हमें ये नोट करना है, हम फिर से आगे जाएंगे और फिर से 5 रीडिंग काउंट करेंगे, वो हमें वैल्यू देगी N+10 की, N+15, N+20 एंड N+25। ये हमारे पास आएंगी सारी की सारी माइक्रोस्कोप रीडिंग। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, ट्रांसवर्स फॉर 10 फ्रिंजेस, यानी कि 10 10 फ्रिंजेस का डिफरेंस, यानी कि N+10 में से हमें N को माइनस करना है, हमें 10 फ्रिंजेस का पता लगेगा, 15 में से 5 को, 20 में से 10 को एंड 25 में से 15 वाले को, यानी कि हमें ऐसे करना है। तो अगर हमारी यहाँ पे 6 रीडिंग्स हैं, ट्रांसवर्स के लिए हमारे पास सिर्फ 4 रीडिंग्स आएंगी, उन 4 रीडिंग्स का हमें क्या करना है, मीन लेना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उससे हमें पता लगेगा फ्रिंज विड्थ, यानी कि बीटा, क्योंकि यहाँ हमने 10 10 फ्रिंजेस की विड्थ ली थी, ट्रांसवर्स लिया था। तो बीटा निकालने के लिए, यानी कि एक फ्रिंज की विड्थ, एक फ्रिंज की विड्थ यानी कि एक ब्राइट से अगली ब्राइट या फिर एक डार्क से अगली डार्क तक की डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इस फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए हमने 10 10 फ्रिंजेस निकाला तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू द फ्रिंज विड्थ, यानी कि मेन डिस्टेंस। तो अब हमने अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के क्रॉस वायर को एनथ फ्रिंज, मतलब कोई भी फ्रिंज पे सेट कर लिया और उसको हमने एनथ का नाम दे दिया है। अब हमें इसकी रीडिंग को देखना है कि ये कैसी आती है। तो देखिए, इस एनथ फ्रिंज की रीडिंग जो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, उसका मेन स्केल पे रीडिंग आई है 7.5, और जो उसका बेस्ट कौन साइड चल रहा है, ध्यान से देखिए, बेस्ट कौन साइड है 30। तो हमारी जो रीडिंग बनती है एनथ फ्रिंज के लिए, मेन स्केल पे है 7.5 और हमारा जो बेस्ट कौन साइड है दैट इज़ 30। और हमें इस बेस्ट कौन साइड को मल्टीप्लाई करना है विद द लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, विच इज़ 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओवरऑल जो रीडिंग बनेगी वो है 7.53। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमें N+5 यानी कि 5वीं फ्रिंज पे जाना है, उसके लिए हम यही वाले स्क्रू का यूज़ करेंगे और 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए N+5 फ्रिंज पे जाएंगे। तो देखिए, अब हम N+5 फ्रिंज पे पहुँच चुके हैं और उसकी जो रीडिंग आ रही है मेन स्केल पे वो है हमारे पास 7.45 और जो इसका बेस्ट कौन सा चल रहा है वो है 10। तो फिर से हमें रीडिंग लिखनी है, इसकी रीडिंग आएगी 7.45 मेन स्केल पे और हमारा जो बेस्ट कौन सा चल रहा है दैट इज 10, और इसको हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है विद द लीस्ट काउंट। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू बनती है दैट इज
7.46. तो हमें सारी रीडिंग्स ऐसे लेनी है 5-5 के गैप में, n प्लस 10, n प्लस 15, n प्लस 20 एंड n प्लस 25. उसके बाद हमें 10-10 का डिफरेंस निकालना है. तो देखिए, मैंने पहले कहा था कि n प्लस 10 में से n को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी है और जो अगले वाली वैल्यूज आएंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी. तो अब हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, यानी कि n में से n प्लस 10 को माइनस करना है, n प्लस 5 में से 15 वाले को, एंड सो ऑन. यानी कि हमें 10 फ्रिंजेस का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है. तो जैसे हमने n और n प्लस 5 के लिए रीडिंग्स कैलकुलेट करी थी, लाइकवाइज हम ये सारी सारी रीडिंग्स को कैलकुलेट कर चुके हैं. तो हमारी सारी सारी माइक्रोस्कोप की रीडिंग आ गई. और उसके बाद हमें क्या करना था, 10-10 फ्रिंजेस का डिफरेंस वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया. तो 6 का किया तो हमारे पास 4 रीडिंग्स ट्रांसफर्स के लिए भी आ गई. इसका हमने मीन कर दिया, यानी कि चारों को ऐड करके और 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया ये. लास्ट में हमने निकाला बीटा, यानी कि फ्रिंज विड्थ. तो फ्रिंज विड्थ इस टेबल की हेल्प से हमें मिल गया. पेपर की थिकनेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टी इज इक्वल टू, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द पेपर, टी इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2 बीटा. यानी कि अगर हमें किसी पेपर की थिकनेस निकालनी है तो हमें इन 3 क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए. बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, जो कि हमने पीछे वाले टेबल में निकाल ली है, निकालना सीख लिया है उसे कैसे निकालना है. लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द सोडियम लाइट यूज्ड, और हमें पता है सोडियम लाइट की वेव लेंथ जो है दैट इज़ 5893 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5.893 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर. तो हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर कैलकुलेट करना रह गया, जो कि है एल. अब L क्या है उसे देखते हैं. ये जो हमारे पास डायग्राम था, इसमें हमें पता है कि ये ग्लास प्लेट नंबर 1 थी, ये ग्लास प्लेट नंबर 2, जिसके बीच में हमने अपने पेपर को इंसर्ट किया है. तो एयर का गैप जितने लेंथ में बनता है, यहां से लेके यहां तक एयर का गैप बन रहा है, उसको बोला जाता है L. तो मैं एक पॉइंट को R नाम दे देती हूँ और एक पॉइंट को S. तो S पॉइंट से R पॉइंट तक की डिस्टेंस को ही बोला जाता है L, यानी कि जितने हिस्से में हमारे पास एयर वेज बनी है, वेरिंग थिकनेस का एयर गैप बना है, उसे बोला जाता है L. बट हमारे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. जैसे ये हमारे पास ग्लास प्लेट है, हमने इस साइड पेपर को इंसर्ट किया है और इस साइड से टेप की हेल्प से अटैच किया है. तो एयर का गैप हमारे पास ना तो यहाँ है जहाँ पे पेपर वाला हिस्सा है, और हमने टेप से अटैच कर दिया है, यहाँ पे भी एयर का गैप नहीं बन पाया. तो एयर का गैप यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ वाले हिस्से में है. तो इसको बोलेंगे हम एस टिप ऑफ द पेपर, और इसे बोलेंगे लाइन ऑफ द कॉन्टेक्ट. यानी कि हमें लास्ट तक मेजर नहीं करना है, जहाँ तक टेप होती है हमें सिर्फ वहीं तक मेजर करना है, यानी कि इतनी लेंथ को मेजर करना है, और उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास ये टेबल है. तो इस लेंथ को, पेपर से लेके टेप तक की लेंथ को निकालने के लिए हम माइक्रोस्कोप का ही यूज करने वाले हैं. पहले माइक्रोस्कोप की क्रॉस वायर को यहाँ सेट करेंगे पेपर वाले एंड पॉइंट पे, वहां पे हमें साफ साफ पता लग जाएगा, क्योंकि जहां पे एयर का गैप होगा वहां पे हमें पैटर्न दिख रहा होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न. और जहां पे ग्लास ये वाला हिस्सा आएगा पेपर वाला, वहां पे हमें कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा. तो हमें इस वाले पे क्रॉस वायर को सेट करना है, यहाँ रीडिंग लेनी है, और फिर हमें अपने इस वाले स्क्रू को जिससे हमने पहले रीडिंग ली थी इसे मूव कराते जाना है. और मूव कराने के बाद हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हमारा टेप वाला हिस्सा आएगा हमें फिर से पता लग जाएगा, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ तक पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे फिर से पैटर्न मिलना बंद हो जाएगा. हमें क्रॉस वायर को यहाँ सेट करना है. दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू द लेंथ एल, यानी कि एस माइनस आर, ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ. अगर हमारी बाई चांस ये वाली लेंथ बढ़ी आती है तो हमें इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस. यहाँ से हमें पता लगेगी एल. और जो लेंथ हम यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केल, क्योंकि हमें पता है कि एक सफिशियंट लेंथ है जिसे आप स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हो. तो हम बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि स्केल से क्या इतनी ही लेंथ आ रही है या नहीं. तो देखिए, अब मैं अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के स्क्रू को मूव कर रही हूँ और हम टेप की तरफ मूव करते जा रहे हैं. तो जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमें इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा. देखिए, जैसा कि आप देख रहे होगे अब इंटरफेस आना शुरू हो गया है. हमें इसी वाले पे फोकस करना है और फोकस करने के बाद इसकी रीडिंग लेनी है. फ्रिंजेस और टेप के इंटरफेस पे सेट करने के बाद हमारी जो रीडिंग आती है, तो हमारे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट आर की जो फाइनल वैल्यू बनी है मेन स्केल वाली वो है 4.35, और बेस्ट कौन साइड आया हमारा 23. फिर से हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकाली है वो आई है 4.373.
अब हमें निकालनी है पेपर और फ्रिंज के इंटरफेस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि एस वाले की रीडिंग लेनी है। लाइकवाइज हम फिर से एक्सट्रीम पोजिशन पर मूव कराएंगे अपने स्क्रू की हेल्प से, और मूव करते करते देखिए अब हम यहाँ लास्ट एंड पे पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे हमें इंटरफेस दिखना शुरू होगा, हमें उस वाले इंटरफेस पे ही अपने क्रॉस वायर को सेट कराना है। जैसे ही कॉन्टैक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रॉस वायर सेट हो जाएगी, फिर से हमें उस रीडिंग को नोट करना है। यहाँ पे जो रीडिंग मेरी आ रही है मेन स्केल वाली है 8.2, और बेस्ट कौन साइड चल रहा है हमारा 18। तो जो फाइनल वैल्यू बनती है दैट इज 8.218। ये हमारे पास S की फाइनल वैल्यू आई, ये हमारे पास R की। तो L की वैल्यू निकालने के लिए आपको हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करना है, तो हमें इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस निकल के आता है L की वैल्यू 3.84, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास पता लगी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई 3.84। आप इसे स्केल से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आ रही है। तो दोनों टेबल की हेल्प से हम अपने जो जो पैरामीटर्स हमें चाहिए थे, बीटा और एल, वो हम निकाल चुके हैं, ये हमें पता ही था। तो जो थिकनेस है पेपर की, जिसका फॉर्मूला ये था लैम्डा एल डिवाइड बाय 2 बीटा, उसके लिए सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। लैम्डा की वैल्यू जो कि हमें ऑलरेडी पता ही थी वो है 5.893 × 10⁻¹⁵ सेंटीमीटर। सारी की सारी वैल्यूज हम सेंटीमीटर्स में यूज़ कर रहे हैं। एल की वैल्यू जो हमने सेकेंड टेबल से कैलकुलेट करी थी दैट इज़ 3.84 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। बीटा अभी अभी हमने फर्स्ट टेबल से कैलकुलेट किया था और हमारी वैल्यू आई थी 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी 0.01। तो इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू बनती है 22.62 × 10⁻¹⁵। यहाँ बनेगा 10⁻², ऊपर आएगा तो रह गया हमारे पास -3, यानी कि 11.31 × 10⁻³। दिस इज द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पेपर विच इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एयर वेज। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर वेज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thank you.